नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको कन्फर्म हो गया होगा कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो हो रही थी वह 17 दिसंबर को संपन्न हो चुकी थी, यानी कि 17 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक यह परीक्षा स्टार्ट थी, यहाँ पर चल रही थी। दोस्तों, यह 17 दिसंबर को यह आखिरी पेपर था और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए आंसर की और रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से वह इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर आंसर की आएगी और कब रेलवे इसका रिजल्ट घोषित करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड द्वारा यह ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कि कब आपकी आंसर की आएगी और कब आने वाला है इसका रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिस पर, जहाँ पर यह कंफर्म कर दिया गया है कि कब आपकी आंसर की आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप शिक्षा एकेडमी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो या अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट ही ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया है उसमें कन्फर्मेशन के साथ है घोषित कर दिया गया है कि 11 जनवरी 2019 को यहाँ पर जो आंसर की आएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है। दोस्तों, बहुत ही ट्रस्टेड वाला न्यूज़पेपर है, कभी भी इसका झूठ नहीं बोल रहा है। सब कंफर्मेशन होने के बाद ही है जो पोस्ट होता है वह न्यूज़ देता है। इसमें दोस्तों पहली न्यूज़ यहां पर दी है कि आरआरबी ग्रुप डी आंसर की टू रिलीज ऑन जनवरी 11 कन्फर्मेशन ऑफिशियल, यानी कि दोस्तों ऑफिशियल नोटिस के द्वारा है घोषित कर दिया गया है कि जो आपकी आंसर की आने वाली है ग्रुप डी की, वह 11 जनवरी 2019 को आएगी। कब आएगी? 11 जनवरी 2019 को। दोस्तों, पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में आनी थी, लेकिन दोस्तों वह उसके बाद पोस्टपोन करके यह 11 जनवरी को कर दिया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट की। रिजल्ट जो आने वाला है, रिजल्ट आएगा अब फरवरी में पहुंच गया है रिजल्ट। पहले जनवरी लास्ट था, लेकिन अब दोस्तों फरवरी के लास्ट में पहुंच गया है रिजल्ट, जो कि यहां पर इसलिए पहुंच गया दोस्तों क्योंकि 11 जनवरी को यहां पर आने वाला है आंसर की। उसके बाद दोस्तों क्या ऑब्जेक्शन, जो भी क्वेश्चन गलत होंगे उसके बाद यहां पे होंगे। देखिए, लिखा है कि ऑब्जेक्शन विल बी अवेलेबल ऑल द रीजन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके गलत हैं वह आप सभी पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ताकि ये जो बोर्ड ने आंसर दिए हैं उसको एडिट करके आपकी नंबर या मार्क्स बढ़ा सके और आपके स्कोर में भी ऐड कर सकें। दोस्तों, इसलिए है जो 11 जनवरी को आंसर की आएगी, उसके बाद यहाँ पर आप 17 जनवरी तक जो है ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है। उसके बाद दोस्तों यह दोनों प्रक्रिया हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यह फरवरी में यह रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कब? फरवरी 2019 में यह रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा आरआरबी ग्रुप डी का। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ओनली 2 माह का वेट और कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, यही वीडियो अब यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।